तो आज हम बात करने वाले लिपिकाइन 20 टैबलेट के बारे में। तो इसका उपयोग किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो इसे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर ऐड किया गया वो एट्रोवेस्टिन 20 mg है। तो इसका 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप रहता है जिसकी कॉस्ट है 51 रुपीज़। तो लिपिकाइन 20 mg टैबलेट आपको कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से लेना है। और जब आप इसे लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अगर आप खुद से लेते हैं, अगर ज़्यादा डोजिंग हो तो क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, तो क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसका उपयोग आपको तभी करना है जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, जिस कोलेस्ट्रॉल में आपको जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो वेंस रहते हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है वह नैरोइंग होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रॉपर से फ्लो नहीं होता है, आपके हीमोग्लोबिन वगैरह प्रॉपर से या ऑक्सीजन प्रॉपर से फ्लो नहीं होता है, जिसके वजह से आपको क्या होता है फ्यूचर में स्ट्रोक पड़ने के कारण हो सकते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए जैसे कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसे मेंटेन रखने के लिए इसे लिया जाता है। तो ये क्या करता है, जब इसे लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो नैरोइंग होता है जैसे कि वेंस वगैरह जिसमें से ब्लड आराम से पास होती है तो आसानी से पास होगी, अगर वही लेवल बढ़ जाता है तो आपका जो कि नैरो जो वेसल्स रहता है ब्लड वेसल्स वेंस उस क्या पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर से फ्लो नहीं होता है और आपका जो हार्ट बीट है या जो ब्लड सर्कुलेशन वो नॉर्मल नहीं रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है हार्ट अटैक के और जैसे चेस्ट पेन के, तो ये सारी समस्या आती है। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए उसी लेवल को इसे दिया जाता है। तो जब इसे लेते हैं तो आपका जो लेवल है जैसे कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस होते रहते हैं वो कम होने लगते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल में, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका है तब। तो इसे आपको खाना खाने के बाद लेना है या खाना खाने से पहले ले सकते हैं, जहाँ तक हो आप खाना खाने के बाद लें ताकि आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। जैसे कि अगर आप अपने खुद से लेते हैं और डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे और डोजिंग ज़्यादा होगा तो आपको ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, आपका जो कि जैसे कि बोलते हैं बाथरूम प्रॉपर से नहीं हो कि आपके पेट में गैस होगा और आपको जैसे कि कच्ची ढेकार आएगी और पेट में दर्द होगा, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। तो इसे जब आप लेना स्टार्ट करते हैं जैसे कि एक फिक्स डोज रखे मॉर्निंग में लिए तो मॉर्निंग में लेना है, और जिस तरह से डॉक्टर आपके कंडीशन को देख के आपको प्रेस्क्राइब करता है ट्वाइस या वंस, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो मोस्टली अगर इसका आपको डोजिंग स्टार्ट हो जाता है तो लंबा तक चलता है, जैसे 6 महीना 7 महीना आपको इसको लेना रहता है, जिस तरह से डॉक्टर आपके कंडीशन को देख के आपको प्रेस्क्राइब करता है आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो ये मोस्टली आपको हर मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दें। आपने इसे कभी परचेस किया यूज़ किया तो क्या बेनिफिट्स मिले आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।